नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज, मैं हूं नीता मिश्रा। कांग्रेस ने महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पर एतराज जताया है। जी हां, आपको बता दें कि जो बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के नाम पर एतराज जताया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और इसी सिलसिले में बिहार प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भी इस्तीफा दिया। हालांकि राहुल गांधी ने भी इस्तीफा दिया, लेकिन फिर से नए सिरे से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ली तो शक्ति सिंह गोहिल को एक बार फिर से बिहार प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया और इसी सिलसिले में शक्ति सिंह गोहिल ने फिर से बिहार कांग्रेस की प्रभार अपने हाथों में ले ली और पटना दौरे पर पहुंचे थे। जब पटना कार्यालय में वो पहुंचे, अपने प्रदेश कार्यालय में पहुंचे, तो वहां तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, मीडिया से रूबरू हुए और इसी सिलसिले में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस किसी पार्टी विशेष की बातों पर ध्यान नहीं देता। महागठबंधन के लिए अभी मुख्यमंत्री का चुनाव होना बाकी है और वो कौन होगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव आरजेडी की पसंद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की पसंद तेजस्वी यादव नहीं है। आपको बता दें कि शक्ति सिंह गोहिल ने साफ कर दिया है कि अभी आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं उसमें थोड़ा टाइम है और भविष्य में इस बात की रणनीति बनाई जाएगी और तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की ओर से कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। उन्होंने तेजस्वी के नाम पर इतराज जताते हुए ये भी साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन महागठबंधन ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया है। भविष्य में महागठबंधन अपने मुख्यमंत्री का ऐलान करेगा। तो तमाम अपडेट्स के लिए अजय भारत को देखते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।